सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम मिश्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट जॉब एकेडमी में। और हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार। आपने पहला वीडियो देख ही लिया होगा, इसके पहले के सारे वीडियोज। तो हम लोग इसके आगे का कहाँ तक पढ़ लिए थे, आठवीं तक कंप्लीट हो गया था। नौवीं वीडियो आज है अत्युक्ति अलंकार। दोस्तों अर्थालंकार में आठ अलंकार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हो वो इसके पहले के सारी वीडियोस देख लें, उसके बाद ये सीक्वेंस में क्रम में देख लें, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग अत्युक्ति अलंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार का नौवां अलंकार है अत्युक्ति अलंकार। 16 अलंकार पढ़ने हैं। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनेगी, आपका अर्थालंकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहां क्या है, जहां किसी की झूठी वीरता, जहां किसी की झूठी वीरता, जहां किसी की झूठी वीरता, वियोग उदारता प्रेम, वीरता वियोग उदारता प्रेम, इनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। जहां किसी की झूठी वीरता वियोग उदारता प्रेम इन सबका को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिखाता हूं आपको वियोग का। बिरहा जब लाग बिरहा जब आग लगी तन में, तब जाए पड़ी जमुना जल में। बिरहा जब आग लगी तन में, तब जाए पड़ी जमुना जल में, बिरहा नलते जल सूख गए। बिरहा नलते जल सूख गए, सफरी जल छाण गई तट में। देखिए दोस्तों यहां क्या है अत्युक्ति अलंकार में, जहां किसी की झूठी वीरता वियोग उदारता प्रेम इसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे बिरहा जब आग लगी तन में, जब मुझे बिरह रूपी आग लगी मेरे तन में, तब जाए पड़ी जमुना जल में। बिरह रूपी आग लगी, आग बुझाने के लिए एक संकेत किया जा रहा है कि वो कहां चली गई आग बुझाने के लिए, वो चली गई जमुना जल पे। और उनकी बिरह इतनी ज्यादा थी, बिरह की आग इतनी ज्यादा थी, बिरहा नलते जल सूख गए। उनकी बिरह रूपी जो उनके शरीर में बिरह की ज्वाला जल रही थी, उसके जलन से, उसके ताप से, उसकी गर्मी से जल ही सूख गया और जो मछली थी वो तट में चली गई। यहाँ मतलब बिरह को उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, ऐसी बिरह लगी, बिरह रूपी आग लगी कि उसे बुझाने के लिए यमुना जल में गई, यमुना जल में इतनी गर्मी, यमुना जल ही सूख गया और वहां की जो मछलियां थी वो कहां चली गई, तट में चली गई। भाई पानी नहीं होगा तो मछलियां कहां जाएंगी। तो यही है आपका अत्युक्ति अलंकार, जहां आप देखे इस तरीके से झूठी वीरता हो, वियोग हो, उदारता हो, प्रेम हो, वहां क्या होगा अत्युक्ति अलंकार। वैसे ज्यादातर ये आता नहीं है क्वेश्चन उसमें एग्जाम्स में, लेकिन जो आपका एनटीए का सिलेबस है ना वो थोड़ा ब्रॉड है, तो उसमें इसकी आने की संभावना होती है। तो ये रहा आपका अत्युक्ति अलंकार।
और अब हम पढ़ेंगे विशेषोक्ति अलंकार। इसके आगे दसवां अलंकार जो है वो विशेषोक्ति है। दसवां अलंकार दोस्तों विशेषोक्ति। यहां विशेषोक्ति ऐसे नहीं होगा, ये होगा विशेषोक्ति। विषय सोक्ति अलंकार। चलिए इसको समझते हैं, विषय सोक्ति अलंकार क्या है। जहां कारण के रहते हुए कार्य संपन्न नहीं होता विषय सोक्ति, जैसे अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के विषय सोक्ति। जहां कारण के रहते हुए कार्य नहीं होता, तो यहां हम लिख लेंगे जहां कारण के रहते भी कार्य नहीं होता। चलो इसका एक उदाहरण देखते हैं। पानी बीच मीन पियासी, पानी बीच मीन पियासी, पानी बीच मीन पियासी मोह सुनी सुनी आवे हासी। अब यहां क्या है, जहां कारण के रहते हुए मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है और वही जल पीती है, तो पानी बीच मीन प्यासी, मीन मतलब मछली, मछली पानी में ही है और प्यासी है, और मोह सुन सुन आवे हंसी, हंसी की बात ही है कि अगर एक मछली बोले कि मैं तो प्यासी हूँ और रहती ही वो पानी में है, तो क्या होगा, वहां विशेषोक्ति अलंकार होगा। जहां कारण के रहते हुए कार्य नहीं होता है वहां विशेषोक्ति होता है। चलिए अब हम एक ग्रामा पढ़ेंगे, दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार, दृष्टांत, ग्रहों अलंकार आज है दृष्टांत अलंकार। विशेषोक्ति क्या है, विशेषोक्ति है जहां कारण के रहते भी कार्य संपन्न नहीं होता। ये रहा ग्रहों अलंकार दृष्टांत अलंकार। यहां दोस्तों देखना क्या है, उपमेय में उसके साधारण धर्म में भिन्नता होती है, फिर भी बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से, बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से उसमें उसे प्रस्तुत किया जाता है, बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाता है। यहां साधारण धर्म में भिन्नता, साधारण धर्म में भिन्नता, लेकिन परंतु बिंब प्रतिबिंब से भाव, बिंब प्रतिबिंब से भाव, साधारण धर्म में भिन्नता होगी परंतु बिंब प्रतिबिंब भाव से व्यक्त किया जाएगा उसका अर्थ। चलिए देखते हैं क्या है बिंब प्रतिबिंब से, उदाहरण लेते हैं। सठ सुधरे सत संगत पाई, सठ सुधरे
सत्संगति पाई पारस परस उभात सुहाई। यहां और यहां देखिए, यहां क्या बोला जा रहा है, सठ शूद्र सत्संगत पाई। सठ मतलब दुष्ट, दुष्ट के को अगर अच्छी संगत मिल जाए तो लोग कहते हैं ना कि अच्छे के संग अच्छा बुरे के संग बुरा, तो दुष्ट को अगर अच्छी संगत मिल जाए तो वो सुधर जाता है, यहाँ एक सामान्य है। और यहाँ क्या, पारस परत कुघात सुहाई, लेकिन जो पारस है पत्थर है उस पे कुघात, पत्थर को कैसे किया जाता है, तराशा जाता है, तराश के उसे बनाया जाता है। तो जैसे मैं आपको एक कविता भी सुना देता हूँ, उसमें छोटी सी शायरी है कि अक्सर गुरु के लिए एक स्टूडेंट बोलता है कि आपने मुझे तराश के हीरा बना दिया, वरना मेरा सुमार था उन्हीं पत्थरों में। तो पारस परस कुघात, पारस बिना कुघात के मतलब बिना प्रहार के उसको अच्छा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ ये साधारण है, सठ सुधरे सत्संगत पाई, इसका प्रतिबिंब किसके पड़ रहा है, पारस परत कुघात सुहाई। तो ये यहाँ साधारण धर्म, इसका अलग है सुधरना है और यहाँ सुहाना है, यहाँ इसका सुधरना है यहाँ इसका सुहाना है। तो इस प्रकार ये दृष्टांत अलंकार हो गया। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण अलंकार, हमारा 12वां जो अलंकार है वो है उदाहरण अलंकार। बहुत ही सरल है, आपको बस एक एक देखना है, बहुत ही सरल है, ये अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज है, आज का जो अंतिम है वो 12वां है उदाहरण, उदाहरण अलंकार। यहाँ क्या है, एक सामान्य, जैसे एक सामान्य वाक्य है, एक सामान्य जो भी सेंटेंस है उसको समझाने के लिए दूसरा देना पड़े। जैसे आपने देखा था 3D मूवी देखी थी, डेमो देते थे, तो डेमो देने में आमिर खान जी बहुत माहिर थे। तो वही डेमो वाला है कि जहाँ एक कुछ भी आप बताएं और उसको समझाने के लिए उसका उदाहरण प्रस्तुत करते, हम भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यो रहीम जस होते हैं, चलिए लेते हैं उदाहरण। यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग, यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग बाटनवारे को लगे, ज्यों मेहंदी के रंग, देखिए। अब यहां क्या है, यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग, मतलब उपकारी के संग कैसा होता है, अब बता तो दिए उपकारी के संग कैसा होता है, इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिए। बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग, मेहंदी लगवाने महिलाएं जाती हैं अक्सर, तो जो मेहंदी लगाता है ना, कहीं ना कहीं अगर उसको भी मेहंदी लग गया तो उसके ऊपर भी वही लालिमा चढ़ जाएगी। तो यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग बाटनवारे को लगे जो मेहंदी के रंग। तो दोस्तों ये आपका 12 अलंकार हो गया। अब जो इसके आगे है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 3 अलंकार आज आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए आप। इसके आगे की वीडियो में हम अर्थालंकार का टॉपिक क्लियर करा देंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक लेके आएंगे, वो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपकी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में।